दोस्तों मैंने लास्ट जो रिकवरी ईमेल पे वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि वीडियो आने वाला है, वो वीडियो यही है कि जीमेल का पासवर्ड आप क्यों फॉरगेट नहीं कर सकते। अपने मोबाइल से करते हो या फिर लैपटॉप से करते हो, आप फॉरगेट क्यों नहीं कर सकते। आपके पास रिकवरी ईमेल नहीं है सिर्फ और सिर्फ मोबाइल नंबर, या फिर रिकवरी ईमेल है मोबाइल नंबर नहीं है, तो दोनों कंडीशन में एक भी ऑप्शन काम क्यों नहीं करता। मैंने जो ट्राई किया था उसमें मेरा एक ऑप्शन काम कर गया था। तो ये रीजन है कि आपको कंफ्यूजन हो सकती है, क्या मैं फैक्ट बता रहा हूँ? तो नहीं बता रहा हूँ, बिल्कुल फैक्ट नहीं बता रहा हूँ। इसका एक रीजन है, वो इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो लास्ट तक देखना है और आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। उस समय तक अभी वीडियो लाइक नहीं किया लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ऐसे ही अन्य टाइम में मिलते रहेंगे और भी बहुत सारे कैटेगरी चैनल में मिलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा। तो चलिए चलते हैं मेन टॉपिक की ओर। दोस्तों आज से 5 साल पहले जब ये प्रॉब्लम होती थी तो इजीली कोई भी बंदा जीमेल को रिकवर कर सकता था, चाहे वो आपके फोन में लॉगिन है नहीं है, आपने कभी किया भी नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपका ईमेल इजीली रिकवर हो जाता पहले के टाइम में। लेकिन आज के टाइम में यहाँ पे हैकिंग का इश्यू होता है, इस वजह से जीमेल और भी सिक्योर कर रहा है आपकी जीमेल को। आपका जीमेल कोई हैक करे ना करे, लेकिन आप खुद खोदोगे, तो आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे मैंने जिस भी दो वीडियो बनाए थे, दोनों वीडियो में मैंने एक ऑप्शन के थ्रू अपना जीमेल रिकवर किया था और पासवर्ड का ऑप्शन आ जाता था, लेकिन आपको नहीं मिल रहा, आपको दोनों ऑप्शन मांग रहे। पर्सनली मेरा एक जीमेल ऐसा है जो मैं पर्सनली अकाउंट रिकवर नहीं कर पा, रीजन कि मैंने दोनों यहाँ पे उस लिंक में मतलब उस जीमेल में लिंक कर रखा है, मोबाइल नंबर और रिकवरी ईमेल। अब प्रॉब्लम यहाँ पे हो रही है कि वो जो जीमेल है मैंने इस मोबाइल के डिवाइस में कभी लॉगिन नहीं किया। मेरा जो मोबाइल था जिसमें मैंने पहले यूज़ किया था वो मोबाइल मैंने बेच दिया था, मैं पर्सनली इसके बारे में नहीं जानता था उस टाइम, मैंने बेच दिया है और मोबाइल अभी आज तक कहाँ है मुझे कुछ नहीं पता। और वो जीमेल मैंने कहीं और लॉगिन नहीं की थी और इस डिवाइस में भी तो बिल्कुल भी नहीं की थी मैंने। तो एक प्रॉब्लम ये होती है कि अगर दोनों ऑप्शन आपसे मांग रहे तो पहला रीज़न यही होता है कि आपकी जीमेल आपने आपके डिवाइस में कभी भी लॉगिन नहीं की, जब आपकी एक्टिव थी तब एक बार भी लॉगिन नहीं की है तो फिर प्रॉब्लम होती है। देखिए एक्टिव मतलब एक बार भी आपने लॉगिन किया तो कुकीज़ को सेव करता है, कोई भी डिवाइस होता है मोबाइल हो लैपटॉप कोई भी हो, वो कुकीज़ को सेव करता है, मतलब कि कोई भी जीमेल को सेव करता है कि ये जीमेल एक बार यहाँ पे लॉगिन हो चुकी है तो ये बंदा वही है, इस तरह से सेव करता है ताकि दूसरी बार आसानी हो जाए रिकवर करने में या लॉगिन करने में। तो अगर आप वही जीमेल उसी डिवाइस में आप लॉगिन करते हैं और फिर आप ये दो ऑप्शन लाते हैं जैसे कि मोबाइल नंबर और रिकवर ईमेल, जिसमें से एक कोई भी सेलेक्ट करते हैं, अगर आपने लॉगिन कर रखी थी पहले कभी भी की थी और आपने अपना जो मोबाइल है कभी भी इरेज नहीं किया था, मतलब कि यहाँ पे जो कह सकते हैं रिस्टोर नहीं किया था, तो आपको उसी मोबाइल से आपका जीमेल फॉरगेट करने की कोशिश करनी, मतलब पासवर्ड फॉरगेट करने की कोशिश करनी है और उसी से हो जाए क्योंकि कुकीज अंदर ही होगी। वो रिस्टोर होने के बाद तो डिलीट हो जाएगी, लेकिन रिस्टोर नहीं किया आपने और उसी मोबाइल से आपने कभी भी लॉगिन किया था उस मोबाइल में, तो फिर उसी मोबाइल से आप फॉरवर्ड करने की कोशिश कीजिए, उसमें एक ऑप्शन काम कर जाएगा, दोनों ऑप्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो मैंने वीडियो में बताया वो मेरा यही रीज़न है कि मैंने जो जीमेल में रिकवर करके आपको दिखा रहा हूँ वो मैंने इस डिवाइस में पहले लॉगिन कर रखी थी, वो कुकीज़ को कुकीज़ सेव करता है तो कुकीज़ के थ्रू वो डिवाइस को फाइंड करने में आसानी हो जाती है कि हाँ ये बंदा पहले भी लॉगिन कर चुका है तो इस बार कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको पासवर्ड दे दीजिए। तो इसी वजह से मेरा एक ऑप्शन काम कर रहा है, लेकिन आपने कभी भी लॉगिन नहीं किया है तो फिर आपके पास दोनों ऑप्शन की जरूरत पड़ेगी और इस कंडीशन में एक ऑप्शन आपके पास है और एक नहीं है तो फिर आपका अकाउंट रिकवर नहीं होगा। तो ये रहा आपका सवाल का जवाब जो मैंने उस वीडियो के नीचे देखा था कमेंट सेक्शन में कि आपका तो हो जाता लेकिन मेरा नहीं होता, मेरे दोनों ऑप्शन आ रहे हैं और आपका नहीं आ रहा, तो क्या रीज़न है? तो बस यही रीज़न है कि आपका ईमेल कभी भी इस डिवाइस में लॉगिन नहीं है तो भी रिकवर नहीं होगा, दोनों ऑप्शन की जरूरत पड़ेगी और दोनों में से एक भी नहीं है, एक है तो फिर नहीं होगा, अगर दोनों है तो भी इजीली कर सकते, लेकिन एक नहीं है तो फिर नहीं होगा। अगर लॉगिन पहले से आपने कभी किया था और कुकी सेव अंदर आपने रजिस्टर मोबाइल नहीं किया तो फिर आपको एक ही ऑप्शन के थ्रू आपका ईमेल मिल जाएगा, दूसरे ऑप्शन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, अगर वो आपके पास नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और जिसमें रिकवरी ईमेल और मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो उसके लिए तो आसानी हो जाती है क्योंकि वहाँ पे बर्थडे वगैरह पूछा जाता है और कोई अगर क्वेश्चन दिया तो क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि हमें बर्थडे खुद के डाले होगी तो इजीली वहाँ से कर सकते हो। और दूसरी यहाँ पे आपने जीमेल कब क्रिएट की थी अगर वो आपको याद है उसके थ्रू भी आप कर सकते हो, तो एक आसान हो जाता है अगर मोबाइल नंबर या रिकवरी ईमेल ऐड नहीं की तो बहुत आसान होता है, उसमें तो ईजीली होता है। तो इस तरह से आपका ईमेल रिकवरी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो दोनों मैंने रीज़न बताए कि कुछ फ्रेंड को कंफ्यूजिंग थी इस बारे में, इस वजह मुझे इस वीडियो पे टॉपिक बनाना पड़ा और यही था आज के इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।